कि हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नए जगह पर और आप लोग को दिखाएंगे कुछ न्यू होटल। किसका प्रेशर? तो भाई बताएंगे आपको प्रेशर कैसा है इसका और इसमें क्या खासियत है। दोस्तों जैसे कि ये बता रहे हैं वाला प्रेशर मेड है और ये वाला ओनली मेड है ना, ये ओनली मेड है और ये वाला ओनली मेड है। जस्ट मेरे पीछे ही प्रो कैब का लगा हुआ है। यहाँ पर आपको पर्दे जो कि साउंड के पर्दे होते हैं ये देखने को मिलेगा। और बेस पिन की बात करें तो बेस पिन सबसे अलग वहाँ पर लगा, जैसे डीजे अमर साउंड मेरठ का लगा हुआ था कुछ उस तरीके का यहाँ पर लगा हुआ है। बाकी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा दिखाते रहेंगे। तो BRC कंपनी जो कि बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है और मैं आप लोग को दिखाऊंगा BRC कंपनी का ये वाला। आप लोग पेयर देख सकते हैं इसका कितना महंगा और नीचे का साउंड देख सकते हैं। BRC बहुत ही अच्छी ब्रांडिंग कंपनी है, बहुत ही नाम है इसका ऑलरेडी पहले से ही। और ये लोग इन लोग का देख सकते हैं लाइनरी कुछ अलग ही स्टाइल में। इसमें प्रेशर हाइस लगी हुई है, प्रेशर हाइस वाले इसमें लाइनरी है जो कि बहुत ही अलग तरीके से वर्क करती है। ये बीस्ट बेस है, बीस्ट बेस मतलब इतना ज़्यादा हैवी पंच होगा इसके अंदर, इतना ज़्यादा हैवी पंच होगा जैसे कि मेरे पीछे कुछ हिल रहा है तो कुछ ऐसे ही आप लोग को मज़ा आएगा। इसको भी बोला जाता है बीस्ट बेस। बढ़ेंगे आगे, कुछ दिखाएंगे आप लोग को नया। आगे देख सकते हैं मेरे लेज़र वर्क और यहाँ पर ट्रस्ट वर्क वाला है जो कि बड़े बड़े सेटअप पर लगाया जाता है। आप लोग बस देखते रहिए मेरे साथ में, बने रहिए मेरी वीडियो में, कुछ नया ही देखने को आप लोग को मिलेगा। ये ट्रस्ट एलॉय वाला वर्क होता है यहाँ पर जो कि किसी को अपने ना मतलब कि अपना पर्सनली ट्रस्ट वगैरह बनवाना होता है। तो लिखा हुआ है थोड़ा महंगा लेकिन पूरे विश्व में बढ़िया, आप लोग देख सकते हैं फ्रंट में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इन लोग का जो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही अच्छे डिजाइनिंग में लोग प्रोवाइड कराते हैं। ये शायद पंजाब की कंपनी है और बाकी विजिट नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पर। आगे चलते हैं क्योंकि हम लोग के साइड देसी बंदे हैं तो देसी वाला जुगाड़ किया जाता है। सबको पता है कि हम लोग के साइड देसी ही यूज़ करते हैं। सुन लिया? तो दोस्तों JBL हरमन जो कि इस कंपनी को कौन नहीं जानता है, JBL कंपनी को सबसे महंगी कंपनी और सबसे ही ब्रांडेड कंपनियों में आने वाली एक कंपनी है JBL, जो कि JBL का लाइनर ही है। ये भी JBL का है और ये RCF का पिच रखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग देखें। न्यू मार्क का पिच है, न्यू मार्क का मिक्सर M6 USB। और जस्ट मैं अभी आपको अपने पीछे दिखाऊंगा ATI Pro जो कि ऑलरेडी ATI Pro बहुत ज़्यादा फेमस है। ATI Pro का स्पीकर भी बहुत लोग यूज़ करते हैं हमारे फैज़ाबाद में। ATI Pro अच्छी कंपनी है, ATI Pro के बहुत लोग यूज़ भी करते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ATI Pro का है यहाँ पर और यूज़ करने वाले इसके काफ़ी हैं। बढ़ते हैं आगे और कुछ दिखाएंगे आप लोग को अलग। यमहा और PRDO, हम लोग को सबसे पहले PRDO पर चलना है क्योंकि हम लोग PRDO के फ़ैन हैं। जैसे कि हम लोग PRDO के फैन है तो हम लोग चलेंगे PRDO पे। दिस इज PRDO, वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द फेमस कंपनी PRDO। बुलाइए, बात वगैरह कीजिए, बात कीजिए। दोस्तों ये है प्रोटेक ऑडियो और यमहा और PRDO। तो इन लोग से हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि PRDO का ओरिजिनल माल कहाँ मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है कि PRDO का डिमांड बहुत ज़्यादा है और PRDO का डुप्लीकेट ही बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अभी मौके पे सबसे ही ज़्यादा फेमस और सबसे अच्छा स्पीकर ये है जो कि हम लोग खुद यूज करते हैं, यही वाला यूज किया जा रहा है ना। तो दोस्तों आप लोग को आज मैं रिवील कर देता हूँ कि DJ शिवम टांडा कहाँ गए शिवम भाई। चलो अभी जब आएंगे तो मैं आप लोग को दोबारा दिखाऊंगा, लेकिन जो अभी उनके सेटअप में जितने भी स्पीकर लगे हुए हैं यही वाला स्पीकर है और आप लोग दोबारा देख सकते हो।
C15 1000EL 1000W 8 ohms और चैलेंजर सीरीज है ये P-Audio का ओरिजिनल स्पीकर यही है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये रहती है कि P-Audio का ओरिजिनल स्पीकर मिलता नहीं है, तो भैया यहाँ पर इनसे कुछ पूछने की कोशिश करेंगे। सर आप हमको ये बताइए कि जैसे कि आपका यहाँ पर एक्सपो ख़त्म होने के बाद हम लोग को अगर P-Audio का माल चाहिए तो वो ओरिजिनल कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि P-Audio एक ऐसी कंपनी है सबसे ज़्यादा जी लाजपत मार्केट में। ओके थैंक यू दोस्तों, जैसे कि थैंक यू। तो दोस्तों मैं आप लोग को इसी के माध्यम से दिखा देता हूँ और इन लोग का मैं कार्ड भी दिखा देता हूँ, जैसे कि ज़्यादा बात करने है किसी के पास टाइम नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको P-Audio का ओरिजिनल सब कुछ मिलेगा, क्योंकि P-Audio एक ऐसी कंपनी है जो कि साउंड के मामले में बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसकी डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा मिलती है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है लोग बाग। पर शिवम भाई के सेटअप पे तो यही वाला स्पीकर, शिवम भाई यही है, DJ शिवम टांडा, और इनके सेटअप पर यही वाला सारा का सारा स्पीकर लगा हुआ है जो कि मार्केट में ओरिजिनल नहीं मिलता और डुप्लीकेट मिलने की वजह से उनका सेटअप अच्छा नहीं बचता है। तो आप लोग देख लीजिए, और कार्ड वगैरह ये रहा, भैया ने हमको बता दिया, इन्होंने हमको कैटलॉग भी दे दिया है, तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे और कार्ड मैं आपको अच्छे तरीके से अभी दिखा दूंगा, नंबर मेंशन कर दूंगा। इससे जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जो साहू इवेंट भोपाल के बहुत ही अच्छे लाइटिंग डेकोरेशन देते हैं और उनका साउंड सेटअप बहुत ही अच्छा है, तो जो वो सारपियो यूज करते हैं वो ये वाली सारपियो यूज करते हैं। कौन सी सारपियो भाई? वो स्पार्क लाइट कंपनी की सारपियाँ हैं जो कि उनके सब सेटअप पे यही वाली सारपियो लगती है ना, उनके सेटअप पे अधिकतर यही वाली सारपियो लगती है और इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। बिल्कुल ये है बीटा थ्री ये है और लाइनरे लगा हुआ है ये बीटा थ्री का और डायनामाइट इसके जस्ट साइड में लगा हुआ है। ये है ऑडियो एजी के नाम से इनका, और मैं इसके किसकी जायफर की मशीन लगी है इस पर। अच्छा तो जैसे कि अभी हम लोग पीछे भी चलेंगे और पीछे देखेंगे किस सेटअप पे कौन सी मशीनें लगी हुई हैं, किस तरीके पर परफॉर्मेंस है। ए प्लस का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कर्व लगा हुआ है, आप लोग अगर अंदर देखेंगे तो अंदर इसके कर्व लगा हुआ है, कर्व स्पीकर है। ये अराउंस है, अराउंस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है जो कि फैजाबाद में कुछ लोग अराउंस का माल यूज कर रहे हैं ना, अराउंस का वो भी यूज करते हैं, विनोद भैया भी अराउंस का यूज करता है। इसकी मशीनें अच्छी हैं लेकिन अराउंस का साउंड को यूज नहीं करता है। बाकी मैंने आप लोग को दिखा दिया इधर अराउंस, बाकी बढ़ेंगे इसके पीछे तो अराउंस का ही वो था और अराउंस की ही मशीन है, और इन लोग का तो जैसा मुझे लग रहा है कि बजने के लिए तैयार है। मैं पूछ के अभी बजवा के आप लोग को टेस्टिंग करवा दूंगा। अराउंस का सेटअप और अराउंस की मशीन है, जस्ट इसके बगल में आएंगे ए प्लस, तो ए प्लस की मशीन यहाँ पर आप लोग को मिलेंगी। आप लोग सीरीज भी देख सकते हैं ए प्लस का, ये आप देख सकते हैं ए प्लस का। बाकी इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर जायफर की सारी टोटल मशीनें मिलेंगी, यहाँ पर जायफर Z7 ये पूरी की पूरी सीरीज यहाँ पर मिलेगी, एजी वाली। ये वाला सेटअप अच्छा चल रहा था, सबसे अच्छा। तो सबको पता है भाई जायफर अपने आप में एक अलग ही ब्रांड है इन लोग का, जायफर का मुंबई वगैरह में ज़्यादा यूज किया जाता है, बाकी लगा हुआ है सबका अलग अलग। ये बीटा थ्री की मशीन है और मैंने डायनामाइट का आप लोग को आगे साउंड दिखा था, डायनामाइट वालों ने भी यहाँ पर जायफर के द डब स्टेप 10 एक्सट्रीम बेस एम्पलीफायर इन्होंने भी यूज कर रखा है। पकड़े भैया फोन आ रहा है क्या, तो कोशिश करता हूँ मैं आप लोग को बजा के दिखवाने की किसी से, अगर किसी का ओपन होगा तो मैं बोलता हूँ उससे कि आप लोग एक बार बजा के दिखा दे। कोशिश करेंगे इनसे बोलने की, ए प्लस तो बंद है ये लेकिन इनका अभी चालू है, तो जैसा कि भैया ने पूछा इसकी टेस्टिंग हो जाएगी नहीं, तो वो बोल रहे हैं 3 बजे, तो 3 बजे तक अगर हम लोग यहाँ पर रहेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे 3 बजे यहाँ पर दोबारा, अदरवाइज़ हम लोग आगे निकल जाएंगे।